उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 33 मंत्रियों के साथ पहली बार हुई सुभाष कैबिनेट की बैठक, लिए गए बड़े फैसले, साहूकारी संशोधन विधेयक को मंजूर। एमपी में धार्मिक सामाजिक समारोह को लेकर नई गाइडलाइंस, अब लागू होंगे ये नए प्रतिबंध, घर में ही त्योहार मनाने की अपील। इंदौर में बिल्डर के घर 51 लाख रुपए की चोरी का खुलासा, महिला मित्र के साथ पुराना नौकर निकला चोर। एक्शन में सिर्फ राज, बच्चियों से रेप के आरोपी, एक बार मालिक की अधिमिलता होगी रद्द, कहा अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 519 मरीजों ने तोड़ा दम, 5 लाख से अधिक हो चुके हैं रिकवर। दिन पर दिन बस से बदतर हो रहे कोरोना वायरस के संकट, WHO ने चेतावनी दी, दुनिया भर में कोरोना रोगी 1.3 करोड़ हुए। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा करी है और COVID-19 की भी समीक्षा करी। एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करी और जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएंगे, और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ COVID-19 को लेकर नए गाइडलाइंस जारी की है। और जो त्यौहार आ रहे हैं उन्होंने सबसे अपील करी है कि आप घर में रहकर ही त्यौहार मनाएं, क्योंकि COVID-19 का दौर चल रहा है और ऐसे में अगर आप बाहर निकलते हैं तो संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, बैठक उन्होंने करी है, कानून व्यवस्था की समीक्षा करी है और जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद COVID-19 को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक करी। शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभाग बांटने के बाद दोपहर 3 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। कैबिनेट की बैठक में एमपी साहूकारी संशोधन विधेयक और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई। इन विधेयकों को मंजूरी के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में कहा कि आदिवासियों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक ला रही है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी लोगों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चुंगल से छुड़ाने के लिए मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भाई बहनों के लिए हमने एक अलग योजना बनाई है, उसमें भी स्ट्रीट वेंडर्स को कार्यशील पूंजी के रूप में 10,000 रुपए दिए जाएंगे, गारंटी और ब्याज भी हमारी सरकार देगी। इतना ही नहीं, पीएम स्वरोजगार निधि योजना में हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भाइयों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इसमें ऑनलाइन आवेदन और स्वीकृति को भी व्यवस्था की गई है। वर्तमान समय में किसानों को फसलों के लिए यूरिया की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यूरिया के लिए किसानों को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार यूरिया की उपलब्धता के बड़े बड़े दावे तो कर देती है, किंतु हकीकत इसके विपरीत होती है। विधायक सुनील उइके के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जुन्नार देव थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। हो रहे ऐसी दशा में प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सरकार द्वारा
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वारासिफ ने विधायक प्रदीप जायसवाल को मध्य प्रदेश खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त इस अध्यक्ष पद मिलने से परिवार व समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और जमकर आतिशबाजी करी। बता दें कि निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे हैं और सरकार गिरने के बाद उन्होंने तत्काल ही प्रदेश में बनने वाली शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अपना समर्थन दे दिया था। क्षेत्र के विकास व जनता की भावनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी को ही वोट किया था। इसका उपहार भाजपा सरकार ने भी खनिज निगम के अध्यक्ष बनाकर दिया है। प्रदीप जायसवाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मेरी प्राथमिकता सारी चीज़ें, मेरी विचारधारा सब कुछ क्षेत्र का विकास। और चूँकि डेढ़ साल में मैंने इतने काम कराया, और चाहे जिले की बात करें, प्रदेश की बात करें, या खरीज के जो मुझे विभाग दिया गया था उसकी बात करें, सब तरह मुझे ऐसा लग रहा था कि अधूरा छूट गया था। सैंड पॉलिसी मैंने बनाया, लेकिन माइनिंग पॉलिसी आने की थी, बन चुकी है। और उसी तरह से जिले और प्रदेश के जितने काम थे, बहुत सारे काम सामने आ गए, लेकिन बहुत सारे काम पाइपलाइन में भी अधूरे रह गए। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक अवसर मिला है कि जितने ऐसे अधूरे काम हैं जिले के, प्रदेश के और माइनिंग डिपार्टमेंट के भी, उस अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मुझे मिला। छिंदवाड़ा के लाना घोघरे में एक राशन की दुकान में सेल्समैन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर सेल्समैन साहिबराव भूमले दुकान के अंदर रखे केरोसिन ड्रम के पास सिगरेट पी रहे थे, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी सोसाइटी में जो आपने दिया है उसके संबंध में हम संबंधित सेल्समैन से बुलाते हैं, उनको समझाते हैं कि उसमें धूम्रपान ना करें, इससे धूम्रपान करने से नुकसान होता है और कोई भी घटना घटित भी हो सकती है, तो हम उसको समझाते हैं और उनके वरिष्ठ अधिकारी को भी इसकी जानकारी देते हैं। यदि कोई कार्रवाई करने की है तो उनके वरिष्ठ अधिकारी बोलते हैं कि इनकी कार्रवाई भी किया जाए। सर, आप भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी को बीजेपी का गमछा पहनाकर औपचारिक रूप से सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग, विधायक रामपाल सिंह, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोधी जी लगातार विकास कार्यो को लेकर मेरे पास आते रहे हैं। वो हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका आत्मीय स्वागत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यालय स्वागत, ये सब विकास के लिए किया जा रहा कार्य है कि कैसे उनके क्षेत्र का विकास हो और कैसे जनता का कल्याण हो। मुख्यमंत्री में जब से हूं, अनेकों बार वहां की सिंचाई की परियोजनाओं को लेके, वहां के अन्य विकास के कामों को लेके वो लगातार मुझसे भेंट करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये प्राथमिकता है विकास और जन कल्याण। उन्होंने जिन विकास की योजनाओं, उनमें से काठन सिंचाई परियोजना एक थी। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। नरोत्तम मिश्रा, गृह एवं संसदीय कार्य, जेल और विधि विभाग। गोपाल भार्गव, लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग। कमल पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग। तुलसी सिलावट, जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विभाग। गोविंद सिंह राजपूत, परिवहन और राजस्व विभाग। मीना सिंह आदिम, जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग। विजय शाह, वन विभाग। जगदीश देवड़ा, वित्त वाणिज्य कर योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग। बिसाहू लाल सिंह, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग।
यशोधरा राजेश सिंधिया, खेल तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार। भूपेंद्र सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग। एदल सिंह कंशाना, पीएचई मंत्री। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, खनिज साधन और श्रम विभाग। विश्वास सारंग, चिकित्सक शिक्षा भोपाल, गैस त्रासदी एवं पुनर्वास। इमरती देवी, महिला एवं बाल विकास विभाग। प्रभुराम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। महेंद्र सिंह सिसोदिया, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। प्रद्युमन सिंह तोमर, ऊर्जा विभाग। प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन सामाजिक न्याय विभाग। ओम प्रकाश सकलेचा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग। उषा ठाकुर, पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म विभाग। अरविंद भदौरिया, सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन विभाग। मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री। हरदीप सिंह डंग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण विभाग। राजवर्धन सिंह, दत्ती गांव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग। भरत सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, नर्मदा घाटी विकास विभाग। इंदर सिंह परमार, राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन विभाग। राम खिलावन पटेल, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, स्वतंत्र प्रभार, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जात जनजाति कल्याण। राम किशोर कावरे, राज्य मंत्री आयुष, स्वतंत्र प्रभार और जल संसाधन विभाग। ब्रजेंद्र सिंह यादव, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग। गिरिराज दंतौड़िया, राज्य मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विभाग। सुरेश धाकर, राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग। ओपीएस भदौरिया, राज्य मंत्री नगरीय विभाग। अशोकनगर में रविवार को पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी के कार्यालय पर शंकर कॉलोनी में एक सेक्टर महिला पुरुष विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंच गए। महिलाओं ने पूर्व विधायक जज्जी से मांग की है कि कॉलोनी में पेयजल व्यवस्था की जाए, आवास दिलवाए जाए, सड़क निर्माण करवाया जाए, पेंशन एवं कई मूलभूत समस्याओं को लेकर मुलाकात करी गई। पूर्व विधायक जज्जी ने कहा है कि आज वे किसी भी पद पर नहीं हूं, मैं आप लोगों की तरह आम नागरिक हूं, फिर भी आप मेरे पास समस्याएं लेकर आए हैं, उनको लेकर मैं आला अधिकारियों से आग्रह करूंगा और सभी समस्याओं का समाधान करवाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। छिंदवाड़ा सीईओ सीएल मरावी की उदासहीनता के चलते दर्जनों पंचायतों में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। के न्यूज इंडिया टीम जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत मुल्हावड़ा पहुंची, जहां पर समूचे ग्राम में गंदगी का आलम साफ दिखाई दे रहा था। संबंधित ग्रामीणों ने बारी बारी से अपनी समस्याएं सीधे हम लोगों को अवगत करवाई। पानी की समस्या, कितने कितने दिन में एक बार पानी आता है? हफ्ता में एक बार देते ही नहीं है महीना में। क्यों? पानी नहीं होगा तो नहीं देता। ये तो पूर्व मंत्री का गांव है चंद्रमान जी का, उसके बावजूद भी इस गांव के ध्यान नहीं, लोगों ने कुछ ध्यान नहीं है। विदिशा के सिरोंज में दो बाइकों की भिड़ंत हो गई और एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए विदिशा रेफर कर दिया गया। घटना गरेछा रोड पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। शासकीय अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी जगह एक एक्सीडेंट हुआ है, जहां बाइक आमने सामने भिड़ंत हुई है, जिसमें एक व्यक्ति मौके पर मृत हो गया है तथा एक व्यक्ति घायल है। इंदौर में पुलिस को एक्सिस बैंक में हुई लूट को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। बता दें कि डीआईजी हरिनारायण
चारे मिश्रा के मुताबिक पुलिस ने बैंक लूट की एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और लूट की रकम से 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं डीआईजी मिश्र के मुताबिक इनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस टीम लगातार कर रही है। हम जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने एक बड़ी चुनौती के रूप में लिया था, जिसमें बैंक में लूट हुई थी, लूट चुकी दिन दहाड़े हुई थी और इसमें लगभग 5 लाख रुपए की इसमें रजिस्टर्ड की गई थी लूट को। पुलिस की काफ़ी टीमें इसमें काम कर रही थी, इसमें उस क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तो बड़ी टीमें जगह जगह पर लगातार इसके लिए प्रयासरत थी। लगभग 250 से ज़्यादा जवान इस पूरी लूट को अलग अलग जगह ट्रेस करने के लगे थे। इसी में पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। मुरैना में कैबिनेट मंत्री यादव सिंह कसाना का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मेरे संपर्क में 15 विधायक थे, 5 भाजपा में शामिल हो गए। हाईकमान कहेगा तो 10 विधायकों को और कर देंगे भाजपा में शामिल। पूर्व की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप। का विकास 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। हम विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे और हमने इन 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने जो चुनाव के पहले वायदे किए थे, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में जो बातें थी वो हमने उनको गिनाई और उनको बताया कि जो चुनाव घोषणा पत्र में आपके वायदे थे वो आप पूरे करिए। जब उन्होंने पूरे नहीं किए तो आज ये हालत हुई कि देख लो कमलनाथ जी कहाँ हैं और शिवराज सिंह कहाँ। विदिशा जिले भर में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अगर ताजा मामलों पर नजर डालें तो हाल ही में एक दिन में 11 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। जिले भर में लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। जिले में अब तक 46 कोरोना वायरस मरीज के सामने आ चुके हैं, जिसमें 32 कोरोना वायरस मरीज सिर्फ सिरोन से सामने आए, जिसको लेकर प्रशासन सख्त है। कोरोना वायरस मरीजों का आंकड़ा सामने आने के बाद क्षेत्र के लोग घबरा गए। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माधव, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वीरेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंदर चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज,
केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंडला नैनपुर थाना के अंतर्गत एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड क्रमांक 7 में युवक संतोष पिता रमेश उइके के निर्मम हत्या करके देर रात किसी ने कर दी थी। एसडीओ पी आकांक्षा, टीआई आरएम दुबे और पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद रहे। देश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस की महामारी के कारण कई शहरों में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ जिले और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 24 घंटों में भारत में रिकॉर्ड 28,701 मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,701 नए मामले, 28,701 नए केस, मौत का आंकड़ा 23,000 पार। केस बढ़ने पर कई शहरों में लगा लॉकडाउन। देश में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस की महामारी के कारण कई शहरों में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ जिले और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पहले ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 8.5 लाख पार पहुंच गए हैं। बेंगलुरु और पुणे समेत कई शहरों के अधिकारी अलग अलग अवधियों के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत के अलावा अमेरिका में कोरोना के मामले की संख्या को देखें तो यहां संक्रमण का आंकड़ा 33 लाख को पार कर गया है। 1,35,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में रविवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 28,701 मामले सामने आए हैं। वहीं 500 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। इन आंकड़ों के साथ ही भारत में संक्रमण के कुल मामले 8,78,254 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 23,174 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 5,53,471 हो गई है, जबकि 3,01,609 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। टैक्स रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर सुबह से ही भारी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच गए। हालांकि कोरोना की गाइडलाइंस के कारण भक्त बाबा की भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाबा महाकाल की विशेष पूजा सावन के दूसरे सोमवार की विशेष पूजा महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्म आरती। आम श्रद्धालु दूर से ही कर सकेंगे दर्शन। श्रावण मास का दूसरा सोमवार होने के कारण सुबह से ही भारी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना की गाइडलाइन के कारण भक्त बाबा की भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके। बता दें कि तड़के 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए और पंचामृत अभिषेक के बाद भस्म आरती शुरू हुई।
हालांकि यहां तय संख्या में ही पंडे पुजारी मौजूद थे। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध दही घी शहद और फलों के रस से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। फिर बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद भगवान को वस्त्र धारण करवाए गए और फिर झांझ मंजीरे ढोल नगाड़े और शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। वैसे तो प्रतिवर्ष सावन माह की भस्म आरती में 2000 से अधिक भक्त शामिल होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। आम श्रद्धालु केवल बाबा महाकाल के दूर से ही दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक का समय तय किया गया है। इस दौरान केवल वही भक्त दर्शन कर सकेंगे जिन्होंने पूर्व में दर्शन के लिए बुकिंग करके रखी है। महाकाल मंदिर समिति ने सावन माह में प्रतिदिन 10,000 भक्तों को दर्शन करवाने का प्रबंध किया है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।